आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि तीन वायर वाले छत पंखा का कनेक्शन कैसे करते हैं। इसमें कंडेस्टर भी लगाना है, तो इसका कैसे कनेक्शन किया जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे इसका कनेक्शन जो खोल देते हैं, बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कौन तार किस में लगाएं, उल्टा हो जाए, लग जाएगा पंखा, उल्टा भी घूमने लगता है। ये हम कनेक्शन करने वाले हैं तीन वायर वाले कनेक्शन। तो ये देखें, ये रेड जो है रनिंग वाला तार होता है, इसमें सिंगले छोड़ देते हैं। देखें, एक तार इसमें से ये लेनी है, एक इसमें से ये लगानी है, ठीक है। कंडिस्टर वाला तार दो आ गया, तीन ये। तो ये देखें, दो इसमें हमने लगा देते हैं, ये इसमें ये हो गया, ठीक है। अब ये जो तार हो गया, ये रनिंग वाला, ये सिंगल ही रहेगा, ठीक है। ये देखें, इस तरह कर दिए। अब दो तार जो आएगा मेन तार, तो ये देखें, एक वायर इसमें हम लगा देते हैं, ये देखें, ये मेन तार आ गया, मैं लगा दिए। एक तार इसमें लगा देंगे, ये देखें, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, इस तरह आप कर सकते हैं। ये देखें, ये हो गया आपका कनेक्शन कंप्लीट। तो पहले हम जान लेते हैं, इसमें कई बार उल्टा भी घूमने लगता है, तो ये वाला तार में कुछ नहीं करना, ठीक है, इसी को चेंज कर देंगे। अगर उल्टा घूमने लगेगा तो ये तार जो है इसमें, ये है ना, इसमें लगा देंगे। ये देखें, इस तरह इसको ही चेंज करना है। अगर ये उल्टा घूमने लगे तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, इस तरह चेंज कर सकते हैं, इस तरह आप। तो मैं आपको अभी चला कर भी दिखा देता हूँ। तो इस तरह बहुत ही आसानी से सीलिंग फैन, तो ये देखें, इसमें आप चाहे टेप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे टेप लगा के इसके अंदर सर, बाकी मैं अभी चेक करा देता हूँ, बाद में उसको हम सेट करेंगे। मैं आपको चेक कराने के लिए इस तरह आपको लगा के दिखा देते हैं। नहीं तो मैं आपको इस तरह ही दिखा देता हूँ। ये देखें, मेन तार मैंने इसमें एक लगा देते हैं। आपको कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। लगा के दिखा देता हूँ, ये देखें इस तरह घूम रहा है, ये ठीक है, ये देखो सही तरह घूम रहा है, ये देखें। तो इस तरह आप भी चेक भी कर सकते हैं, ये देखें। लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।